मैं डॉक्टर संतोष राय, आपका अपना, आपके बीच का। आज बड़ी ही खूबसूरत और मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, और इस कहानी को सुनाते वक्त कहीं कोई औपचारिकता नहीं रहेगी। कहते हैं, एक दूध बेचने वाला गांव से दूध संग्रहित किया करता था और दूध को संग्रहित करके शहर में ले जाकर के बेचा करता था। हर दिन सवेरे वो अपनी गाड़ी और कंटेनर लेकर गांव पहुंचा करता था दूध संग्रहित करने। तालाब में दो रहने वाले मेंढक इस कार्य को रोज देखते थे। उन लोगों को एक बार सैर की सूझी कि चलो थोड़ा तालाब से बाहर निकलते हैं, थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं। दोनों मेंढक फुदकते फुदकते बाहर निकले। दूध वाले ने अपना कंटेनर नीचे उतारा था दूध संग्रहित करने के लिए। गांव के लोग ला ला करके दूध उसे दिए जा रहे थे। दोनों मेंढकों ने उस दूध बेचने वाले से अपने को छिपाते हुए दूध के कंटेनर में कूद गए। जब वो दूध के कंटेनर में कूदे, दूध बेचने वाला दूध के कंटेनर का ढक्कन लगाया, दोनों डब्बे को उठाया और गाड़ी के ऊपर लोड कर लिया। अब दूध बेचने वाले की गाड़ी शहर की ओर जा रही है। अंदर जो दोनों मेंढक कूदे थे उसमें से, या यूं कहूं जो छलांग लगाए थे उसमें से एक पॉजिटिव सोच वाला मेंढक ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, कितना खूबसूरत दिन दिखाया है। रोज वो तालाब का सड़ा पानी, आज मिल्क। वो अपने दोनों पैरों से खेलने लगा, वो दोनों पैरों से इधर उधर भागने लगा उस डब्बे के अंदर, और भगवान को धन्यवाद करता हुआ बार बार दोहरा रहा था कि हे भगवान, रोज सड़ा पानी और आज तूने मिल्क में मुझे स्विमिंग का मौका दिया। वो स्विमिंग करने लगा मिल्क में और भगवान को कहा, वाओ गॉड, व्हाट लाइफ, कितनी सुंदर जिंदगी है। दूसरा मेंढक जो निगेटिव सोच का था वह यह कहने लगा कि तालाब का पानी ही अच्छा था, कहाँ मैं फंस गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ हो नहीं सकता। वो खूब जोर से उछलता था बाहर निकलने के लिए, ढक्कन से टकराता था और नीचे गिरता था। इधर जो पॉजिटिव सोच का मेंढक है वो भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा है, अपने पैरों से खेल रहा है, स्विमिंग कर रहा है। निगेटिव सोच वाला मेंढक बार बार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। जब वो जोर से उछलता था दूध के ढक्कन की चोट उसके पीठ पे लगती थी और वो नीचे गिर जाता था, यानी उस दूध के डब्बे में गिर जाता था। पॉजिटिव सोच वाला स्विमिंग किए जा रहा है, निगेटिव सोच वाला उछल के बाहर निकलने की कोशिश किए जा रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि पॉजिटिव सोच वाला के पैर की थाप से दूध में धीरे धीरे मक्खन जमने लगे, धीरे धीरे मक्खन आने लगे। वो पॉजिटिव सोच का मेंढक खूब जोर से चिल्लाया, हे भगवान, आज तूने कितना सुंदर दिन दिखाया है, अभी थोड़ी देर पहले मिल्क और अब मक्खन भी, वाओ, व्हाट ए लाइफ गॉड, कितनी सुंदर जिंदगी है भगवान। निगेटिव सोच वाला एक दो और प्रयास किया, पूरे पीठ में चोट लग चुकी थी, लहूलुहान हो रहा था, और पॉजिटिव सोच वाला धीरे धीरे दूध में स्विमिंग करते हुए पैरों की थाप से मक्खन दूध को बना रहा था और भगवान को धन्यवाद दे रहा था। खैर, तब तक गाड़ी धीरे धीरे शहर पहुंच गई। दूध बेचने वाले ने अपने डब्बे को नीचे उतारा। जब डब्बे को नीचे उतारा तो ढक्कन जैसे ही खोला तो ऊपर मक्खन जो था, उस मक्खन के ऊपर एक मेंढक बैठा हुआ था जो भगवान को थैंक्स बोलता हुआ बाहर छलांग लगाई और चल दिया। और उसने कहा, हे भगवान, आज तूने बड़ा ही सुंदर दिन दिखाया है। निगेटिव सोच वाला मेंढक नीचे पड़ा हुआ था, वो मर चुका था, उसे दूध बेचने वाले ने निकाला और बाहर फेंक दिया। परिस्थितियां दोनों के लिए सेम थी। एक परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए परिस्थितियों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था और एक परिस्थितियों को विपरीत मान रहा था। आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है कि परिस्थितियां विपरीत होती हैं। जिस समय परिस्थितियां आपके विपरीत होती हैं, आप ये सोचा करो कि भगवान आपको कोई सुंदर दिन दिया है, उसमें खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करो, ना कि निगेटिव सोचो। दोनों मेंढक को सेम परिस्थिति मिली, एक ने जिंदगी को खूबसूरत एंजॉय किया
और जो निगेटिव सोच का मेढक था वो जिंदगी से हाथ धो बैठा। सेम यही हमारे जीवन पे भी एप्लीकेबल है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आगे की कहानी सुनने के लिए कहीं न कहीं से लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी जो आपको प्रेरित कर सके मैं लाने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डियर।